गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज के सेशन में हम लोग सॉलिड स्टेट का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो ये सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वन। इसका एक और पार्ट हम लोग करेंगे और ये दोनों पार्ट करने के बाद आप सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज को लेकर निश्चिंत रह सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। अब ये क्या बात हो गई भाई, आसमान तो इतना बड़ा, यहाँ तक कैसे कोई चल सकता है। लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं। ये क्या उठाएं कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। ओ तो ये बात है। तो इसका अगर अर्थ समझा जाए तो बहुत ही गहरी बात है। इसमें कहा गया है बच्चों कि लक्ष्य बड़ा रखो और इतना बड़ा रखो कि जब उसे पाएँ तो अंदर से एक आवाज़ आए कि हाँ मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ पाया है। ये क्या कि छोटा सा लक्ष्य रखें और उसको हासिल करने के बाद कोई आंतरिक खुशी ना हो, कोई लोग नहीं जाने। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। यही इसमें कहा गया है कि ये क्या उठाएं कदम और आ गई मंजिल, या इतनी छोटी सी लक्ष्य रखें कि बस तुरंत उसको पा लिया गया। लक्ष्य ऐसा रखो कि जिसके पाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़े, कुछ मेहनत करना पड़े, और जब उस मुकाम पर हम पहुँचे तो लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में। तो ये तो बात है कि लक्ष्य बड़ा रखना है, लेकिन एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि सिर्फ लक्ष्य बड़ा रखने से नहीं होता है बच्चों, उसको पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी तो आपका सबसे पहला लक्ष्य है कि बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करो, बाकी सारी चीज़ें इसके बाद होंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे और मैं भी आपके साथ हूँ हर समय हर पल। तो चलो सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, तीन में से कौन जो है एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसका सही आंसर होगा ग्लास। ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। डायमंड आपका क्रिस्टेलाइन है, ग्रेफाइट क्रिस्टेलाइन है और कॉमन साल्ट क्रिस्टेलाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टेलाइन सॉलिड, तो देखो इनमें से चारों में से कौन क्रिस्टेलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टेलाइन सॉलिड का ही होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्रिस्टेलाइन सॉलिड में ही होता है और डिफिनिट ज्योमेट्री भी क्रिस्टेलाइन सॉलिड का होता है। तो ये जो आइसोट्रोपिक है ना, ये क्रिस्टेलाइन का नहीं बल्कि एमोरफस का, एमोरफस का प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपिक। ए क्रिस्टल मे हैव वन और मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज वन और मोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट इट हैज टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, वन सेंटर ऑफ सिमेट्री और फोर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप याद रखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जब भी आपसे पूछा जाए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो आपको जवाब देना है 23। टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं 23। तो देखो इसमें बोल रहा है कि वन और मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो याद रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है टोटल 9। कितना? 9। तो 9 होता है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद अगर पूछा जाए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको याद रखना है 13 होता है टोटल। तो किसी भी क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होता है और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो हमेशा 1 होता है, 1। तो आप जोड़ के देख लो, 9 और 13 22 हो गया और 1 23 हो गया। तो 1 हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, 13 हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 9 हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, याद रखना।
और टोटल 23। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, तो मैंने आपको बताया है सी टी ओ आर एच एम और टी, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम हो गया आपका 7। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल, तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको कितना बताया, 23। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, तो याद रखना, देखो इसका मैं एक ट्रिक बताता रहा हूँ ब्रेवियस लैटिस ज्ञात करने का, सी टी ओ आर एच एम टी, और याद रखना है आपको 3, 2, 1 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपको याद रखना है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1। तो याद रहे क्यूबिक में 3 होता है ब्रेवियस लैटिस, टेट्रागोनल में 2 होता है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, रोम्बोहेड्रल में 1 होता है, हेक्सागोनल में 1 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होता है और ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। सॉरी तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्यूबिक में कितने होते हैं, तो देखो क्यूबिक में 3 होते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा ब्रेवियस लैटिस किस प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो ऑर्थोरोम्बिक में सबसे मैक्सिमम पाए जाते हैं, मैक्सिमम ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई, तो देखो सोडियम क्लोराइड में आपको याद रखना है बच्चों कि Na+ जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। Cl- Na+ से घिरा रहेगा और Na+ Cl- से घिरा रहेगा। तो इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई, तो ईच क्लोराइड आयन सराउंडेड रहेगा 6 सोडियम आयन से। द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, देखो NaCl का आप याद रखना स्ट्रक्चर होता है FCC, और जब भी आपसे CaCl का पूछा जाए CaCl का CaCl तो इसका आपको याद रखना है BCC। तो स्ट्रक्चर ऑफ CGM क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड होगा BCC। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, मैंने अभी अभी आपको बताया कि NaCl FCC होता है। द अरेंजमेंट ऑफ Cl आयन इन CGM क्लोराइड कैसा, CGM क्लोराइड BCC और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आपसे पूछा जाए ना तो याद रखना BCC का 8 होता है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड में देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ, जब भी आपसे सिंपल पूछा जाए सिंपल क्यूब तो आपको नंबर ऑफ एटम 1 बताना है, BCC में नंबर ऑफ एटम 2 होता है और FCC में 4 होता है। कैसे, सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पे एटम होता है, तो 8 कॉर्नर होता है, प्रत्येक कॉर्नर का एटम 8 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 8 × 1/8 1 आ गया। BCC में कॉर्नर पे रहेगा प्लस बॉडी सेंटर में, तो कॉर्नर पे 8 × 1/8 = 1 एंड बॉडी सेंटर एक ही होता है तो उसमें किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो टोटल 1 होगा, तो 1 + 1 = 2 हो गया। FCC में कॉर्नर पे होता है 8 × 1/8 तो 1 हो गया, और 6 फेस पे प्रत्येक फेस का एटम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 6 × 1/2 = 3, तो 3 और 1 = 4 हो गया। तो आपसे पूछा गया फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 4 होगा। आपको याद रखना सिंपल में 1, BCC में 2 और FCC में 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी अभी आपको बताया कि 8 होता है।
क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल विच इज ए, तो क्लोज पैकिंग मैक्सिमम होता है। देखो एफसीसी में आपको पता है 74% क्लोज पैकिंग होता है, बीसीसी में 68% होता है और सिंपल में 52.4। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 74% एफसीसी में है। इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ए ऑक्युपाइज द सेंटर, ए कहाँ पे है, ए कहाँ पे है बताओ, ए है सेंटर पे और बी कहाँ पे है, बी ऑक्युपाई द कॉर्नर्स, बी है बच्चों कॉर्नर पे। आपको पता है सेंटर एक ही को होता है तो एक होगा और कॉर्नर आठ होता है, तो आठ और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, ए कितना आ गया 1, तो ए भी आया आपका 1 और बी भी आया 1, यानी इस कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो वही चीज़ है, फिर से आया सिंपल, तो सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बी सी सी में 2 होता है और एफ सी सी में 4 होता है। तो 1 पहले सिंपल है तो 1 होगा, फेस सेंटर्ड 4 होगा, 2, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब में एटम के द्वारा टोटल वॉल्यूम पाई बाई 6 ऑक्युपाई होता है, कैसे, देखो सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम 1 होगा, तो अगर आप स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो तो 4/3 पाई आर क्यू होगा, ओके, बटा टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम से भाग देते हैं, ठीक है, तो टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम से भाग दोगे तो देखो सिंपल क्यूबिक के लिए आर इक्वल टू ए बाई 2 होता है, तो बताओ ए इक्वल टू 2R, तो जब आप 2R का क्यूब करोगे यानी वॉल्यूम निकालोगे तो ये आ जाएगा 4πR³ बटा नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब करोगे 8, 8 × 3 = 24 24R³। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों, 4 × 6 = 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया π/6, π/6, तो इसका π/6 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट, देखो सिल्वर के जो हेलाइड होते हैं वो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों शो करते हैं, तो AgBr दोनों शो करेगा, AgCl दोनों शो करेगा, KBr आपका कभी फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा, ये हमेशा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। ZnS जो है ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है, ZnS क्या शो करेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा। व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS, तो अभी मैंने बताया फ्रेंकल डिफेक्ट। सिल्वर हेलाइड जनरली शो, तो सिल्वर हेलाइड जो है, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है AgBr, आप याद रखना ए शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो यहाँ पे आप देखो मैंने NCERT में आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक जगह लिखा हुआ था कि आयरन जो है 0.98 है और ऑक्सीजन पूरा का पूरा 1 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के 1 मोल से आयरन का मात्र 0.9 मोल साथ में है, तो यहाँ पे मेटल डिफिशियंट अमाउंट में यानी FeO में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टांस इन सॉलिड स्टेट, मतलब कोई सबस्टांस को सॉलिड स्टेट में रहना है तो इनमें सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, तो देखो सॉलिड के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दोगे तो वो मेल्टिंग हो जाएगा। पी टाइप सेमी कंडक्टर्स आर फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डोप्ड, तो देखो आप याद रखना
14 एलिमेंट, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 13। तो जब आप ये 14 में कौन कौन आते हैं, सिलिकन और जर्मेनियम आते हैं 14 ग्रुप में। तो जब आप इन्हें 15 के साथ मैच कराते हो डोपिंग, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब आप इन्हें 13 के साथ कराते हो तो पी टाइप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकन और जर्मेनियम 14 का है, इसे हमें कराना होगा, पी टाइप बनाना है तो 13 ग्रुप के साथ डोपिंग कराना होगा, और एन टाइप बनाना होगा तो 15 के साथ करेंगे। टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विथ, तो एन टाइप बनाना है तो आपको ग्रुप 15 प्लस जर्मेनियम करना होगा। तो आपको 15 में कौन कौन आते हैं बताओ, 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। याद है इसका ट्रिक याद करने का, मैंने बताया था नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, याद आया नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, कैसा लगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो आपको ना 15 वाला से करवाना होगा। कौन आपको नज़र आ रहा है इसमें 15 वाला बताओ, 15 वाला कौन नज़र आ रहा है, 15 वाला आर्सेनिक नज़र आ रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है बच्चों, कि केटायन जो है, केटायन अपना जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ मैंने, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। तो इंटरस्टिशियल साइट पे जाने से क्या होगा, है तो अभी उसी क्रिस्टल में ना, ऐसा थोड़ी है कि केटायन निकल के क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से, तो रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन अनचेंज्ड। तो फ्रेंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यही शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि एक केटायन और एक एनायन, या फिर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्रिस्टल से ही गायब हो जाते हैं, तो डेंसिटी इन डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, इन ए शॉटकी डिफेक्ट एन आयन मूव टू इंटरस्टिशियल पोजिशन, गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन ए लैटिस साइट, ये भी गलत। सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें केटायन और एनायन गायब हो जाते हैं भाई साहब। टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विथ, एन टाइप चाहिए भाई, एन टाइप चाहिए आपको सेमीकंडक्टर, एन टाइप। तो एन टाइप के लिए जर्मेनियम या सिलिकन को, दोनों में से कोई भी हो, जर्मेनियम हो या सिलिकन हो, इसे आपको ग्रुप 15 के साथ ही ऐड करना होगा। तो 15 में कौन आता है, आर्सेनिक आता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई विल बी इन द एक्स वाई टाइप्स क्रिस्टल, देखो NaCl तो भी अपना क्या कैसा टाइप है, NaCl भी AB टाइप या एक्स वाई टाइप ही है, एक्स वाई टाइप। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना होता है, 6:6 होता है, तो 6:6 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड, तो यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमोर्फस सॉलिड है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये गलत है, ये मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होता है भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजली, नहीं, इसका इजली ज्योमेट्री आप चेंज नहीं कर सकते। हैज एन इरेगुलर थ्री डायमेंशनल, नहीं, बिल्कुल रेगुलर होता है, तो आपका सही हो गया ऑप्शन ए। चेंजेज एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो किसी एक फिक्स्ड पोजिशन पे, फिक्स्ड टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड? डिफिनिट एंड करेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होता है, आइसोट्रोपिक नेचर नहीं होता है। जो होता है ना क्रिस्टलाइन, वो एनिसोट्रोपिक होता है, एनिसोट्रोपिक याद रखना। अलग अलग डायरेक्शन में एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मान अलग अलग होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी एंड एचसीपी, देखो सीसीपी में 12 और एचसीपी में भी 12, ठीक है, तो 12 12 दोनों में होगा। आगे Fe3O4 इज फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर बट एट 850 केल्विन इट बिकम, देखो जब आप 850 केल्विन या उससे ज़्यादा हीट करते हो ना फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को, तो पारामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 13-15 कंपाउंड? देखो 13 में कौन कौन आता है भाई, 13 में आता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और एक आ जाता है थैलियम। वही अगर 15 में बात करो तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन जो 13-15 का एलिमेंट नहीं है, इंडियम 13 में है और एंटीमनी 15 में है, तो है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम है 13 में, आर्सेनिक है 15 में भी है, सीडी देखो कैडमियम ये दोनों में से किसी में नहीं आया है। कैडमियम जो है ना वो 48 एटॉमिक नंबर होता है, इसका एक ग्रुप डी का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप डी का एलिमेंट है। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ, तो FCC के लिए आप जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। FCC के लिए R इक्वल टू होता है a/2√2, तो अब बताओ a इक्वल टू क्या होगा, 2√2 आर तो होगा ही। अब 2√2 R को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, आप इसे लिख सकते हो 4R/√2, कैसे, क्योंकि 4 को हम 2×2 लिखेंगे और रूट टू से ऊपर का एक टू का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2√2, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4R/√2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों ये था हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट वन, जिसमें हमने करीब 36-40 क्वेश्चन कवर किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड स्टेट के पार्ट टू में। तो अगर सेशन अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, और आप ये भी बता सकते हो कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।